हेलो एवरीवन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेलकम बैक अगेन टू द लाइव सेशन स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के लाइव सेशन में और आज का जो हमारा सेशन है वो है अबाउट द हाइड्रा डेवलपमेंटल बायोलॉजी सो इट इज़ अंडर द टॉपिक और अंडर द सीरीज़ ऑफ डी बी टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन और एनी अदर एग्ज़ाम लाइक सी एस आई आर लाइक आई सी एम आर लाइक आपका जे एन यू कोई भी अगर आपका पी एच डी एग्ज़ाम हो आपका उन सबके लिए कंपेटिबल आपका है ये तो आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें हम कुछ हाइड्रा की डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे ये पार्ट वन होगा इसके और भी पार्ट आएंगे साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम आने वाले टाइम में अगर हमें कुछ टाइम मिलता है बीच में तो और इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी मैं ऐसी आशा रखता हूँ और मेरी आवाज़ भी आप सभी लोग को आ रही होगी ठीक है आप बता सकते हैं मुझे अगर आवाज़ में कोई इशू है तो फाइन ओके सो so फ्रेंड्स शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूँगा देखिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आई एम एन अनडमीकेटर मैंटेगरी ऑफ सी एस आई आर जे आर एफ लाइफ साइंस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस तो लाइफ साइंस का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आई एम एन एजुकेटर मैं यहाँ पे पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट्स कवर करी हैं काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं काफी सारी यूनिट्स कवर करी हैं वैसे मैं ऑलमोस्ट थर्टीन यूनिट्स कवर करता हूँ आपकी ठीक है ऑलमोस्ट एवरी यूनिट मैं लेता हूँ लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं कुछ ही यूनिट कवर कर पाता हूँ तो अगर मैं बात करूँ इस वाले सेशन की तो मैंने क्या क्या कवर किया है या और क्या करने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए अभी जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं कंप्लीटेड जो आपके कोर्स हैं मेरे इसमें कौन कौन से कोर्स मैंने किए हैं नंबर वन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी मैंने कवर किया है ये किया है दिसंबर दो में दिसंबर 2020 में कवर किया है अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर हैं तो जाके देख सकते हैं आप आपको वहाँ पे क्लास मिल जाएगी दूसरा है यहाँ पे मोलिकुलर बायोलॉजी जिसका नाम है फंडामेंटल प्रोसेस ठीक है रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेगुलेशन लैक ओपेरॉन ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन ये सब इसमें आता है तो ये मैंने कवर किया था जनवरी दो में आप इसको देख सकते हैं अगर आप सब्सक्राइबर हैं या अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं तीसरी चीज जो मैंने कवर करी है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सम आस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी ये मैंने कवर किया है फेबररी 2021 में इसको आप देख सकते हैं ठीक है अगर आप सब्सक्राइबर हैं इन सब के पी नोट्स अवेलेबल हैं रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी इन सब में आपको अवेलेबल हो जाएंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में पढ़ सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं देन जो अपकमिंग कोर्सेज है उसके बारे में अगर बताना चाहूँ मैं आपको तो जो मार्च का महीना है यानी जो महीना चल रहा है हमारा इसमें दस मार्च से टेंथ मार्च से स्टार्ट होगा मेथड्स इन बायोलॉजी एंड सम आस्पेक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी तो ये टॉपिक मैं यहाँ लूँगा सेकेंड अप्रैल में रैपिड रिवीजन कोर्स आएगा जिसके अंदर मैं रिवीजन करवाऊंगा एंड देन उसके बाद और भी कोर्स आएंगे टाइम के साथ साथ अभी जो कोर्स आने वाले हैं फिलहाल वो बैच कोर्स है मेरे तो अभी आप देख सकते हैं इवॉल्व सी एस आई आर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है इवॉल्व सी एस आई आर तो इसमें बैच वन है इसमें ये थर्ड मार्च से स्टार्ट हो चुका है एंड अगला है आपका बैच थ्री ये टेंथ मार्च से स्टार्ट होगा तो इनमें अलग अलग क्लासे होंगी अलग अलग टॉप एजुकेटर से आप देख पा रहे होंगे तो आपको जो क्लास अच्छी लगती है जिस बैच में आप एनरोल होना चाहते हैं आप हो सकते हैं और क्लासेस को देख सकते हैं इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूंगा मैं देखिए आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो प्लस के जैसा ही है एक नया सब्सक्रिप्शन का मेथड आया है जिसका नाम है आइकॉनिक वो काफ़ी प्लस के जैसा ही है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें प्लस के जो प्लस में बेनिफिट हैं उसके अलावा और एडिशनल बेनिफिट आपको मिलते हैं आइकॉनिक के अंदर तो क्या क्या बेनिफिट हैं लेट मी रिमाइंड यू आपको यहाँ पे मिलेगा पर्सनल कोच तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आइकॉनिक में दोस्तों तो पर्सनल कोच आपको अलॉट होगा जो आपकी टाइमली रिक्वायरमेंट होगी कोई भी उसे पूरा करेगा कोई सवाल आपको पूछना है या कोई क्वेरी है कुछ भी है ठीक है सेकेंड थिंग आपको मिलेगा स्टडी प्लानर मतलब टाइम टेबल फॉलो करेंगे आप ताकि आपकी तैयारी चलती रहे ठीक है थर्ड थिंग यहाँ पे मिलेगी बूस्टर सेशंस तो स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे डेडिकेटेड डीसी वगैरह होंगे ताकि आपका डाउट लिया जा सके इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड एस इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर सकेंगे अगर बात करें सब्सक्रिप्शन के आइकॉनिक के बारे में क्योंकि जो प्लस का है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्लाइड्स के बाद तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ यह है अबाउट द आइकॉनिक जो वन फैप से स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे वन ईयर है टू ईयर है सिक्स मंथ्स का है सब्सक्रिप्शन तो इसके सामने आप अमाउंट देख पा रहे होंगे ये अमाउंट अमाउंटस के अगेंस्ट ठीक है तो आपको जो बेटर लगता है आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेफरल कोड अगर आपसे मांगा जाता है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ द एम सलमान लाइव तो एम सलमान लाइव मेरा रेफरल कोड है आप इसका यूज कीजिएगा आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा एंड आफ्टर दिस एक लेट मी चेक द वॉइस ओके सो दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट तो आज ही इसको ज्वाइन करिए इसका नाम है मोहम्मद सलमान अन अकेडमी ठीक है तो टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे दिस वन आपको मिल जाएगा तो ज्वाइन करने के बाद आपको मेरी आने वाली क्लासेस का लिंक मिल जाएगा अपडेट आप अपडेट जो भी है क्लास की मेरी वो आप तक तो पहुँच जाएगी कोई पी शेयर किया है अगर मैंने रिलेटेड टू द सी आपको वो मिलेगा कोई इन्फॉर्मेशन है कोई क्लास है कोई टाइम टेबल है एनी ठीक है या आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं तो आज का जो टॉपिक है हम उसे शुरू करते हैं एक सेकेंड सो टूडे वी आर गोइंग टू सी द हाइड्रा डेवलपमेंटल बायोलॉजी सो हाइड्रा डे बायो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सी एस आई आर एग्जाम और एनी अदर एग्जाम हालांकि जो सी एस आई आर का है काफ़ी डिटेल है तो अगर आपने सी एस आई आर के लेवल का पढ़ा है तो आपका ऑटोमेटिकली बाकी का सबका कंप्लीट हो जाएगा तो शुरू करेंगे इसको देखिए जो आपकी हाइड्रा की डेवलपमेंट है उसमें एक टर्म आती है जिसे कहते हैं मॉरफल एक्सेस दिस ऑज कॉल्ड एज द मॉरफल एक्सेस मॉर्फल एक्सिस जो है एक सब सब टॉपिक है अंडर द हेडिंग ऑफ रीजनरेशन तो रीजनरेशन एक ब्रॉड टर्म है रीजनरेशन इसके अंदर आता है मॉरफल एक्सिस <coughs> अब ये रीजनरेशन क्या होता है रीजनरेशन का मतलब है कि पोस्ट एम्ब्रियोनिकली यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कोई अगर उसी और उस ऑर्गेनिज्म में किसी तरह का कोई डैमेज होता है उसका कोई हाथ वगैरह ब्रेक कर जाता है कट जाता है तो वो अगेन दोबारा ग्रो हो जाता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर यह देखा गया है लेकिन जो ग्रोथ है वो अलग अलग तरह से होती है तो इसे कहते हैं रीजनरेशन दिस इज कॉल्ड एज द रीजनरेशन जनरेशन के अगेन रीजनरेट कर जाना किसी भी मिसिंग स्ट्रक्चर का किसी भी मिसिंग ऑर्गन का अब जो रीजनरेशन है <coughs> सॉरी जो रीजनरेशन है वो भी आपकी कई टाइप्स की होती है ठीक है आपने पढ़ा होगा नाम वन इज कॉल्ड एज द एपीमॉरफोसिस जो सेलेमैंडर्स में पाई जाती है एपीमोरफोसिस यू विल हैव अ कंपनसेटरी रीजनरेशन जो ममेलियन लिवर में होती है यू विल है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन एंड द लास्ट वन इज द मॉरफाला जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं तो ये अल, अलग अलग तरह से रीजनरेशन होती है जिसमें से एक है मॉर्फाक्सिस मॉरफा एक्सिस खास तौर पर देखी जाती है नाइडेरियंस में बिच इज द हाइड्रा ठीक है तो हाइड्रा में होता क्या है देखिये जो मॉरफाल एक्सिस है इसका दूसरा नाम है इट इज कॉल्ड एज द ट्रांस डिफरेंशिएशन ट्रांस डिफरेंशिएशन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके सामने एक सेल है दिस वन ये इलोंगेटेड सेल है, हैविंग द विलाय, ठीक है सिलिया विलाय के ऊपर है कोलमनार सेल है ये अब मैं इस सेल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूँ किसी दूसरे सेल में अब वो दूसरा सेल कोई भी हो सकता है तो इस कन्वर्जन को कहूंगा मैं डिफरेंशिएशन <coughs> या मॉर्फल एक्सेस क्लियर तो हाइड्रा के अंदर जब कोई बॉडी ऑर्गन लॉस्ट होता है ठीक है तो अगेन आपका नया बन जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉरफल एक्सेस ठीक है अब ये जो ट्रांस डिफ्रेंशिएशन टर्म है इसके और भी कई नाम है किताबों में यूज होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं वन इज कॉल्ड एज द रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड इज द रीपैटर्निंग एक और होता है जिसका नाम है री मॉडलिंग ठीक है री मॉडलिंग भी यूज हो जाता है यहाँ पे वर्ड तो इन सब का मतलब लगभग सेम है और जो सबसे सही वर्ड है वो है ट्रांस डिफरेंशिएशन एंड द मॉरफोलैक्सिस तो इसमें मिसिंग ऑर्गन रीस्टोर कर दिया जाता है इन द केस ऑफ हाइड्रा अब ट्रांस डिफरेंशिएशन को थोड़ा और डीप में देखते हैं कि ये आखिर इसका मतलब क्या है देखिए एक टर्म होती है जिसका नाम है एपी मोरफोसिस एपी तो एपी में क्या होता है सपोज करिए सेल है ए ये सेल कन्वर्ट होना चाहता है इनटू द सेल सी जो सेल ए है वो सेल सी में कन्वर्ट होना चाहता है अब ए से सी में कन्वर्ट होने के दो तरीके हैं नंबर वन पहले वो जाए अंडर द प्रोसेस ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन क्यों क्योंकि ये जो ए सेल है ये फुल्ली डिफरेंशियटेड है ये पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड है फॉर एग्जाम्पल लिवर का सेल है ये पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड है तो पहले ये जाएगा डी डिफरेंशिएशन में और बनाएगा अ काइंड ऑफ स्टेम सेल या अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है एक तरह से अनडिफ्रेंशिएटेड है फिर ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल अगेन जाएगा रीडिफ्रेंशिएशन में और बनाएगा सेल सी तो ये होती है एपीमॉरफोसिस एपीमॉर्फोसिस में जो रीजनरेशन होती है वो इस प्रकार से होती है डीडिफ्रेंशिएशन देन रीडिफ्रेंशिएशन बट जो आपकी मॉर्फालेक्सिस है उसमें ये सब नहीं होता वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ए से सी में जिसे कह देते हैं ट्रांस डिफ्रेंशिएशन तो ये फर्क है आपका मॉर्फा लेक्सिस में और एपी में आई होप समझ में आया होगा आपको <coughs> किसी तरह की दिक्कत है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनी टाइम एक सेकेंड ओके okay. अब हम बात करते हैं कि जो हाइड्रा है उसके बारे में देखते हैं ये है कौन हम सभी लोग जानते हैं हाइड्रा जो है बिलोंग करता है फाइलम नाइडेरिया से नाइडेरियंस या फिर सिलेंटीरेट्स आप इनको सिलेंटीरेट भी कहते हैं इसमें बिलोंग करता है इन एनिमल्स के पास एक खास तरह का ऑर्गन होता है ऑर्गेनल होता है या ऑर्गन होता है या सेल कह सकते हो आप टिश्यू कह सकते हो जिसे कहते हैं नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट या फिर निमैटोसिस्ट कई तरह के नाम है निमेटोसिस्ट नीडोब्लास्ट नीडोसाइट अब ये जो सेल है एक तरह का कैप्सूल होता है ये जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इट इज लाइक अ कैप्सूल जिसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप टिश्यू होता है और इस टिश्यू में एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर जो है नीडल लाइक पेनिट्रेट कर जाता है इन टू द स्किन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है चुभ जाता है उसे नीडल उसे लग जाती है और जब उसे लगती है नीडल ये पेनीट्रेट करती है तो अंदर ये कुछ टॉक्सिन सिक्रिएट कर देता है ऑर्गेनिज्म में जिसमें से एक का नाम है हिप्नोटॉक्सिन तो हिपनोटॉक्सिन नाम की चीज़ को ये क्या कर देता है इंजेक्ट कर देता है जो काफ़ी घातक होती है पैरालिसिस वगैरह कर देती है बॉडी में शॉक आ जाते हैं हार्ट अटैक की कंडीशन भी आ सकती है दूसरा ये जो हाइड्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं यानी वाटर में रहते हैं ये ज़्यादातर मराइन होते हैं समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं सिसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी ये ज़मीन वगैरह पे भी रेंग सकते हैं और दूसरे तरह के भी होते हैं जेलीफिश भी होती है इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है टिश्यू लेवल मतलब आ, पहले तो होगा सेल्युलर लेवल कि सिर्फ सेल से मिलके बनी है बॉडी जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे टिश्यू तो सिर्फ टिश्यू का लेवल है ऑर्गन का लेवल नहीं है तो यहाँ पे है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइन और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब ये एम्ब्रियो में होते हैं जब ये ग्रो हो रहे होते हैं डेवलप हो रहे होते हैं तो उस वक्त इनमें दो जर्म लेयर बनती हैं सिर्फ और इन्हें कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें एक्टोडर्म होती होती है और होती है और एंडोडर्म इसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है इनकम्लीट इनकलीट का मतलब है हैविंग अ सिंगल ओपनिंग इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है ठीक है जिसे कह देते हैं हाइपोस्टोम ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है इनकम्प्लीट जिसमें दोनों चीजें मिलती हैं उसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फाइन अब बात करते हैं आगे सेकंड है जो हाइड्रा है उसकी बॉडी में क्या क्या आपको देखने को मिलता है तो देखिए हाइड्रा की बॉडी में लगभग दो से तीन चीजें आपको देखने को मिलती है एक होता है अपर हेड सबसे ऊपर की तरफ यहां पे हेड मिलता है इसमें देन uh, मिलता है बॉडी कॉलम ठीक है मिडल में होता है बॉडी कॉलम एंड सबसे नीचे होता है इसमें फुट विच इज़ द लोअर फुट ठीक है तो ये तीन चीज देखने को मिलती है जो बॉडी होती है इस पर टेंटेकल्स निकले होते हैं कई तरह के जो जिसके अंदर आपका नीडोसाइड वगैरह होते हैं जो एक तरह से पेनिट्रेट करता है किसी ऑर्गेन किसी स्किन को या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ठीक है और हाइड्रा में जो है डेवलपमेंट कैसा होता है हाइड्रा में डेवलपमेंट होता है बाय द बडिंग ठीक है बडिंग क्या होता है बडिंग एक तरह की ग्रोथ होती है जिसमें आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एक तरह की है। जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गन होता है वो एडल्ट की बॉडी पर ही ग्रो करता है जो प्रोजेनी होता है वो एडल्ट की बॉडी पर ही ग्रो करता है और बॉडी पर ही ग्रो करते 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 यहीं पर ये बड़ा होता है और फाइनली डिटैच हो जाता है तो इस तरह के री आ, ग्रोथ को कहेंगे बाय द बडिंग ये बडिंग है अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक मॉन्स्टर यहाँ पे बना हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जैसे आपको पता ही होगा ये हाइड्रा जो वर्ड है आपका वो आया है एक मॉन्स्टर से जो ग्रीक माइथोलॉजी में था जिसके कई तरह के हेड थे जिसमें से कहा जाता है कि अगर इसके हेड को काट देते थे तो नए हेड बन जाते थे तो बिल्कुल ऐसा ही हाइड्रा में भी होता है हाइड्रा में अगर आप हेड को चॉप ऑफ करोगे तो नया हेड बन जाएगा तो ये आपका है मॉर्फल एक्सिस ठीक है रीजनरेशन अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं हाइड्रा की बॉडी में क्या क्या मिलता है हमें एज यू कैन सी सबसे ऊपर की तरफ आपको मिलेगा हेड होगा ओरल एंड ओरल मतलब यहां पे हाइपोस्टोम है सिंगल ओपनिंग इसके अलावा ऊपर की तरफ क्या देखने को मिल रहे हैं टेंटेकल्स तो ये टेंटेकल्स हैं इसके देन नीचे अगर आप आएंगे तो आएगा सब हाइपोस्टोमल रीजन तो हाइपोस्टोम के जस्ट नीचे होता है दिस वन दिस इज द सब हाइपोस्टोमल रीजन देन बीच में आती है बॉडी कॉलम या बॉडी एक्सेस या मिडल पीस भी कहते हैं इसको एंड फाइनली सबसे नीचे की तरफ आ जाता है इसका फुट दिस इज कॉल्ड एज द फुट या एब ओरल एंड या बेसल डिस्क तो अलग अलग तरह से इसके नाम है आ, एब ओरल एंड बेसल डिस्क एक सेकेंड तो आप अलग अलग नामों से इसे पुकार सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हाइड्रा के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं जो हाइड्रा में डेवलपमेंट करवाते हैं और उनका क्या काम है देखिए केमिकल के नाम हैं इन्हें कहा जाता है हेड एक्टिवेटर एंड फुट एक्टिवेटर ठीक है ऑल्सो कॉल्ड एज द हेड एक्टिवेशन ग्रेडिएंट या फुट एक्टिवेशन ग्रेडिएंट तो ये कुछ केमिकल होते हैं हाइड्रा की बॉडी में जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेड और द फुट तो हेड और फुट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन जो हाइड्रा की जो बॉडी का कॉलम है फॉर एक्जाम्पल ये अगर मैं जिसको शेड कर रहा हूँ अभी आप ये समझिए ये बॉडी का कॉलम है दिस इज द बॉडी कॉलम और ये है एपिकल एक्सिस और ये है बेसल एक्सिस तो जो हाइड्रा की बॉडी का कॉलम है इसके पूरे बॉडी कॉलम में पोटेंशियल होता है टू फॉर्म हेड एंड फुट तो कहने का मतलब ये है पूरी हाइड्रा की जो एक्सिस है बॉडी कॉलम की इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये नया हेड बना सकता है और नया फुट बना सकता है बट जो अपर पार्ट है हेड और लोअर पार्ट है फुट यहां पे ऐसा नहीं होता है इसका रीजन है अभी बताऊंगा मैं आके ड्यू टू द द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स आर एक्टिवेटर एक्टिवेटर एंड फुट अब हम बात करते हैं ये केमिकल का किस तरह से यहां पे प्रेजेंस होती है इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है तो देखिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट या ये कहें मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट ग्रेडिएंट का क्या मतलब है ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी केमिकल की कंसंट्रेशन किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा है और दूसरे पॉइंट पे धीरे धीरे करके कम हो रही है या दूसरे पॉइंट पे कम है तो मैं कहूँगा यहाँ पे ग्रेडियंट बन रहा है दोनों में कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है दिस इज द ग्रेडियंट इसी तरह से हाइड्रा की बॉडी के अंदर ये जो हेड एक्टिवेटर है और फुट एक्टिवेटर है इनका ग्रेडियंट बनता है हेड एक्टिवेटर का ग्रेडियंट ऊपर होता है मैक्सिमम और नीचे की तरफ आपका कम होने लगता है फुट एक्टिवेटर का ग्रेडियंट नीचे होता है मैक्सिमम और ऊपर की तरफ कम होने लगता है फाइन इसके अलावा जो हेड एक्टिवेटर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड के लिए हेड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और जो फुट एक्टिवेटर है वो फुट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन ये एक दूसरे को इनिबिट भी करते हैं ठीक है ये एक दूसरे को इनिबिट भी करेंगे अगर मैं हेड में फुट एक्टिवेटर को डाल दूंगा यानी केमिकल को डाल दूंगा तो यहां पे फुट नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे हेड एक्टिवेटर की कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड कर जाएगी जो फुट एक्टिवेटर को इनहिबिट कर देगा इसी वजह से जहां पे हेड बनता है वहां सिर्फ हेड बनता है फुट नहीं बनता और जहां पे फुट बनता है वहां सिर्फ फुट बनेगा वहां हेड नहीं बनेगा तो ये चीज इस बात को इंश्योर करेगी लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऊपर हेड नहीं, ऊपर हेड बनता है नीचे फुट बनता है बीच में क्या बन सकता है तो मैंने कहा था बीच में आपका फुट भी बन सकता है और हेड भी बन सकता है अब सवाल ये उठता है कि वाई ऐसा इसलिए क्योंकि यहां दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर है ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है दोनों का जो ओवरलैप है वो इक्वल है तो इस वजह से यहां पे पोटेंशियल है कि यहां एक, एक एक्स्ट्रा या तो फुट आप बना सकते हो या आप हेड बना सकते हो और वो आप बना सकते हो बाई ग्राफ्टिंग द केमिकल जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ स्लाइड के बाद कि किस तरह से इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं समझ में आ रहा है आपको ठीक है तो यहां आप देख पा रहे हैं इस आ, पर्टिकुलर डायग्राम में फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइड्रा की बॉडी है ठीक है ऊपर से लेकर नीचे तक मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको हैग और फैग का कॉन्सेंट्रेशन जो हैग है इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको कहाँ मिलेगा सबसे टॉप पे इस वाले एरिया पे, और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ कम होने लगेगा ठीक है तो यहाँ पे ये यह कम हो चुका है इसी तरह से जो फैग है इसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो मिलेगा फुट के एरिया पे, और धीरे धीरे अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये कम होने लगेगा लेकिन जो बीच का एरिया है यहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर हो जाएगी जिसकी वजह से इस वाले एरिया में कैपेसिटी आ जाएगी पोटेंशियल आ जाएगा टू जनरेट आइदर फुट और हेड जो हम एक्सपेरिमेंट में अभी देखेंगे आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन सो फ्रेंड्स यहां पे आपको बताना चाहूंगा छोटा सा 15 सेकेंड का ब्रेक लेके कि इफ यू वॉन्ट टू क्रैक द सी एस आई आर एग्जामिनेशन सी एस आई आर सी एस आई आर यू जी सी नेट एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज अन सो यू कैन सब्सक्राइब सो सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे लेट मी रिमाइंड यू यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों डेली लाइव क्लासेस ठीक है लाइव टेस्ट होंगे लाइव क्विज होंगे स्ट्रक्चरड कोर्स मिलेंगे और अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी मतलब कहने का यह है कि अगर आप सपोज करिए अगर आप आज सब्सक्राइब करते हैं ठीक है आपने टुडे सब्सक्राइब किया तो जो पुराने लेसन्स हैं वह सारे अवेलेबल हो जाएंगे इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग्स वीडियोज पी डी एफ नोट्स क्विज एवरी थिंग ठीक है और जो आपका चल रहा है टाइम पीरियड उसमें तो ऑब्वियसली होगा सेकेंड थिंग बात करेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की तो आप देख सकते हैं वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ आपको जो बेटर लगता है अपने लिए आप वो ले सकते हैं रेकमेंडेड होता है छः का और बारह का इसके अलावा रेफरल कोड की बात करूंगा आपसे देखिए रेफरल कोड होता है आ, मेरा रेफरल कोड है एम सलमान लाइफ सो इफ यू लाइक माई क्लास आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं टेन परसेंट का आपको यहां पे डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा ठीक है सो यू कैन यूज माई कोड विच इज द एम सलमान लाइव ओके अभी जो हमने पढ़ा दोस्तों उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक है अभी देख लेता हूं मैं कोई कुछ पूछ तो नहीं रहा है गुड इवनिंग हेलो निर्मा चौधरी वेलकम ज्योति सोनाली ठीक है हेलो डीबीटी एग्जाम कब तक हो सकता है न्याय कुमारी जी डीबीटी एग्जाम देखिए जल्दी होगा मैंने भी कुछ टाइम पहले देखा था इसके बारे में जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका तो आप तैयारी करते रहिए और चेक करते रहिए ठीक है वन मंथ सब्सक्रिप्शन इज़ एबल टू वॉच ऑल वीडियो हाँ सब्सक्रिप्शन आप चाहे कितने भी टाइम का लो एक महीने का लो या दो महीने का लो उस सब्सक्रिप्शन के टाइम में आप सारी वीडियो देख सकते हो वो आपके ऊपर है कि आप 24 घंटे में कैसे यूटिलाइज आप उसे करते हो आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा शांतनु जी पूछ रहे हैं कैसे सब्सक्राइब देखिए सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ऑनलाइन लैपटॉप से या फ़ोन से अन अकेडमी की वेबसाइट पर जाके वहाँ जाके आप रजिस्टर करिए पहले तो अपने ई मेल वगैरह से नाम वगैरह से रजिस्टर करिए देन आप जो है सी की कैटेगरी में जाइए और वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए फाइन और रेफरल कोड आप मेरा यूज कर सकते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए ठीक है ओके अब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं देखो एक केस है अब इस केस से एग्जाम में सवाल आ सकता है तो कृपया ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे ये कहता है कि एक रिसर्चर है एक साइंटिस्ट है इसने क्या करा साइंटिस्ट के पास एक हाइड्रा है जिसका नाम है डोनर हाइड्रा डोनर का मतलब है ये डोनेट करेगा कुछ तो क्या डोनेट किया इसने हाइपोस्टोम का टिश्यू तो हाइड्रा ने अपनी बॉडी से हाइपोस्टोम का टिश्यू डोनेट किया है आप यहां देख सकते हैं रेड कलर में ये रहा और इस रिसर्चर ने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है इन द दर हाइड्रा विच इज द एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करेगा इस ग्राफ्ट को कहां एक्सेप्ट करेगा वो करेगा बॉडी कॉलम में अब आप मुझे बताइए जरा से दो सेकंड में बताइए आप मुझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा क्या बनेगा यहां पे क्या हेड बनेगा या फुट बनेगा क्या लगता है आपको ठीक है जिन जिन ने अभी क्लास में समझा है वो बताइए मुझे तब तक मैं आगे चलता हूं आ, चलो सेकंड देख लेता हूं मैं कोई कुछ बताए अगर वरना हम आगे चलते हैं माही खान पूछ रहे हाइपोस्टोम का क्या फंक्शन होता है हाइपोस्टोम के अंदर कुछ ग्रेडियंट होते हैं केमिकल्स होते हैं हेड एक्टिवेटर और हेड इनएक्टिवेटर ठीक है तो वहां पे उसका मेन काम होता है टू मेंटेन द हेड हेड को बनवाना और सिर्फ सिंगल हेड को बनवाना दूसरा हेड ना बने इसका ये काम है और भी काम है जो बताऊंगा धीरे धीरे में ओके तो यहां पे क्या पूछ रहे हैं कूना माजी कह रहे हैं नो no हेड नेहा कुमारी कह रहे हैं बोथ ओके नो फुट हेड एंड फुट ओके तो एक पर्सन कहते हैं कि दोनों बनेंगे हेड और फुट भी और यहां सेकेंड पर्सन ने कहा है कि ना हेड ना फुट समथिंग लाइक दैट देखिए इसका रिजल्ट होगा यहां पे स्मॉल टेंटेकल या स्मॉल हेड बनेगा एक छोटा सा हेड बनेगा जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा फाइन आप समझे मेरी बात मैंने क्या कहा देखो एक्सपेरिमेंट क्या था एक्सपेरिमेंट ये था कि एक डोनर हाइड्रा था डोनर हाइड्रा से हाइपोस्टोम का टिश्यू लिया और इसको ग्राफ्ट कर दिया इन द बॉडी कॉलम ऑफ द अनदर हाइड्रा अब बॉडी कॉलम के अंदर क्या है बॉडी कॉलम के अंदर कंसंट्रेशन है हेड एक्टिवेटर की और फुट एक्टिवेटर की जो लगभग बराबर है दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं लेकिन आपने हाइपोस्टोम का टिश्यू ग्राफ्ट करा है हाइपोस्टोम में किसका कंसंट्रेशन होता है? हेड एक्टिवेटर का होता है सबसे ज्यादा तो एज अ रिजल्ट यहां पे हेड एक्टिवेटर की कंसंट्रेशन कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी और वो हेड को इंड्यूस करेगी तो यहां पे एक छोटा सा हेड बाहर निकलेगा आउटवर्ड निकलेगा टेंटेकल विद स्मॉल हाइपोस्टोम आउटवर्ड ग्रोथ होगी समझ में आया आपको चलिए अब आप इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट से बताइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्या है क्वेश्चन कहता है कि कि एक रिसर्चर है उसने एक डोनर हाइड्रा लिया डोनर हाइड्रा का टिश्यू लिया है बेसल डिस्क से कहां से लिया है टिश्यू फुट से बेसल डिस्क से और ट्रांसप्लांट किया है इन द मिडल या बॉडी कॉलम ऑफ द एक्सेप्टर अब आप जरा बताइए क्या रिजल्ट होगा इसका इस बार सही बताना सभी लोग हेड बनेगा या फुट बनेगा या दोनों बनेंगे क्या होना चाहिए रिजल्ट बेसल डिस्क से निकाला है हमने टिश्यू फुट से और ट्रांसप्लांट किया है इन द मिडल ऑफ द बॉडी कॉलम बॉडी कॉलम में मिडल में किया है ओके नेहा कुमारी जी कह रहे हैं फुट बनेगा और कोई एक स्टूडेंट ने कहा है फुट यहाँ पे फॉर्मेशन होगी ओके चलिए कुछ सेकंड और फिर बताते हैं आपको क्या बनेगा यहाँ पे ओके चलिए तो जैसे कि एक स्टूडेंट ने बताया अभी ठीक बताया बिल्कुल यहां पे फुट की फॉर्मेशन होगी और आउटवर्ड ग्रोथ होगी फुट की ठीक है नॉट द हेड तो क्या रीजन है इसका रीजन वही है सेम जो मैंने बताया था आपको कि यहां से आपने निकाला था फुट एक्टिवेटर फुट एक्टिवेटर को निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया है बॉडी कॉलम में और बॉडी कॉलम में तो वही बनेगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहां पर फुट एक्टिवेटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है और एज ए रिजल्ट इंडक्शन हो गया है किसका बेसल डिस्क का तो बेसल डिस्क यहां पे इंड्यूस हो चुकी है विच इज द तो यहां आई एम सॉरी फुट तो यहां पे फुट बन गया है अब एक और एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में आप मुझे बताइए क्या होगा देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है इस एक्सपेरिमेंट में एक रिसर्चर ने क्या करा है एक डोनर हाइड्रा लिया डोनर लिया जो डोनेट करेगा क्या डोनेट करेगा ये थोड़ा सा लिया हाइपोस्टोम का टिश्यू थोड़ा सा लिया बेसल डिस्क का दोनों बराबर लिए और दोनों को एक साथ ट्रांसप्लांट कर दिया मिक्स करके इन द मिडल ऑफ द बॉडी कॉलम तो बताइए क्या बनेगा फटाफट बताइए दोस्तों क्या किया है फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी परसेंट लिया है हाइपोस्टोम का टिश्यू फिफ्टी परसेंट लिया है बेसल डिस्क का टिश्यू और दोनों को एक साथ ट्रांसप्लांट कर दिया है इन टू द बॉडी कॉलम या मिडल ऑफ द हाइड्रा तो यहाँ पे क्या बनेगा क्या हेड बनेगा क्या फुट बनेगा क्या दोनों बनेंगे या दोनों नहीं बनेंगे नन क्या लगता है आपको ओके नेहा कुमारी जी ने बताया है बोथ ओके सैयद साहब बता रहे हैं बोथ हेड एंड फुट ओके नेहा जी ने हेड एंड फुट बताया ओके फाइन कूना जी बता रहे हैं बोथ बेसल डिस्क एंड हेड ओके चलिए चलिए मैं आपको हिंट देता हूं ठीक है एक बार मैं आपको हिंट देता हूं एक बात बताइए कि जो बॉडी कॉलम है उसमें हेड एक्टिवेटर की कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर होती है फुट एक्टिवेटर के जिसकी वजह से ना तो हेड बनता है ना तो फुट बनता है अब मैंने यहाँ पे दो टिश्यू डाले एक डाला हेड का और एक डाला फुट का और दोनों ही लगभग बराबर हैं तो क्या लगता है आपको क्या यहां कुछ बनेगा या फिर यहां पे कंडीशन वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी अब बताइए क्या लगता है आपको तो क्या बनेंगे दोनों या नहीं बनेंगे अब क्या आंसर होगा आपका सेम आंसर होगा या कुछ और होगा ओके okay, अभी स्टूडेंट सोच रहे आई थिंक ओके नो फॉर्मेशन तो नेहा कुमारी जी ने कहा एक आंसर आया है नो no फॉर्मेशन वेरी गुड आपको बात समझ में आई है इसका मतलब और बाकी लोग भी बता सकते हैं ठीक है कूना माझी ने कहा है नो डेवलपमेंट वेरी गुड ठीक है एग्जैक्टली यहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी ठीक है या तो नहीं होगी या फिर अगर हुई तो नेगलिजिबल होगी नेगलिजिबल का मतलब भी नो ही होता है ठीक है बहुत ही कम वेरी लेस तो यहां पे गलिजिबल आपकी फॉर्मेशन होने देखने को मिल सकती है या बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी तो इसके तीन आपको मिलेंगे ठीक है तीन मिलेंगे आपके आंसर एक होगा वीक एपिकल इंडक्शन एक होगा वीक बेसल इंडक्शन या होगा नो इंडक्शन क्योंकि आपने दोनों टिश्यू डाले हैं तो दोनों टिश्यू डालने से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे अब कैंसिल करते वक्त हो सकता कोई एक जीत जाए तो वीक इंडक्शन हो सकता दूसरा जीत जाए तो वीक इंडक्शन या दोनों हार जाए तो नो इंडक्शन ठीक है जी तो इस तरह से ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी आई होप समझ में आया होगा सभी लोगों को जो लोग मुझे सुन रहे हैं ठीक है ओके अब चलते हैं आगे अब बात करते हैं हाइपोस्टोम के बारे में तो हाइपोस्टोम मैंने बताया था क्या है जो हाइड्रा है उसका जो बॉडी का टॉप है फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा की बॉडी अगर मैं यहाँ बनाता हूं तो इसमें ये जो टॉप का एरिया है इसे कहेंगे हाइपोस्टोम जहां पे माउथ होता है इसका हाइपोस्टोम ठीक है हेड वाला एरिया टॉप वाला एरिया तो हाइपोस्टोम के बारे में कहा जाता है इट इज द ऑर्गेनाइजर इन द बॉडी ये बॉडी में ऑर्गेनाइजर है ऑर्गेनाइजर का मतलब है हेड की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये तो ये मेन जो हेड बनाता है पूरी बॉडी में वो हाइपोस्टोम है और इसका रीजन ये है यहां पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलती है उस केमिकल की जो हेड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है जिसके बारे में बात करेंगे वो केमिकल कौन है धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको कौन केमिकल है क्या है सब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हाइड्रा की पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ हाइपोस्टोम एक ऐसा टिश्यू है जो कर सकता है यानी वो हेड बनवा सकता है ठीक है सेल्फ डिफ्रेंशियन कर सकता है हाइपोस्टोम के अंदर दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं एक मिलता है जिसे कहते हैं हेड हेड एक्टिवेटर या एक्टिवेशन सिग्नल अलग अलग वर्ड यूज होते हैं हेड एक्टिवेटर हेड एक्टिवेटर ग्रेडियंट हेड एक्टिवेशन सिग्नल एक ही बात है दूसरा होता है हेड सिग्नल या हेड इनिबीटर तो दो केमिकल होते हैं हाइपोस्टोम में हेड एक्टिवेटर जो हेड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हेड इनिबिटर जो हेड को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी सिर्फ एक सिंगल हेड बने दूसरा हेड ना बने सो अंडर द नॉर्मल कंडीशन जब नॉर्मल कंडीशन होती है हाइड्रा में तो ये दोनों केमिकल इस बात को एंश्योर करते हैं कि सिर्फ एक सिंगल हेड बने दो हेड एक हाइड्रा में ना बने और ये एंश्योर होता है इन दोनों सेकेंड इज फाइन आगे चलते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसके बारे में ठीक है छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझते हैं देखिए अब एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया रिसर्चर ने क्या किया है एक रिसर्चर के पास हाइड्रा है जिसका नाम है डोनर हाइड्रा और एक है जिसका नाम है एक्सेप्टर हाइड्रा ये डोनर है या एक्सेप्टर है तो इसने टिश्यू निकाला है हाइपोस्टोम से फॉर एग्जाम्पल यह है यहां से टिश्यू निकाला है और ग्राफ्ट कर दिया है इन टू द मिडल ऑफ द बॉडी कॉलम बॉडी कॉलम के मिडल में कर दिया है तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्मॉल टेंटेकल या स्मॉल हेड ऑनि ठीक है तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा ऑनली हेड विद द टेंटेकल तो यहां पे आपका छोटा सा हेड बनेगा इस तरह से इस तरह से टेंटेकल बनेंगे लेकिन यहां पे ट्रंक नहीं बनेगा यानी कि बॉडी कॉलम यहां पे नहीं बनने जा रहा है यहां पे सिर्फ इतना बनेगा और इसका रीजन क्या है इसका रीज़न ये है कि हमने जो टिश्यू लिया था वो टिश्यू आपका कौन सा था वो टिश्यू था आपका हाइपोस्टोम का और हाइपोस्टोम का जो टिश्यू है यहां पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिलती है किसकी हाईएस्ट किसकी हेड एक्टिवेटर की और हेड एक्टिवेटर रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ हेड के लिए वो पूरी बॉडी नहीं बनवाता वो मेनली तो हेड और टेंटेकल्स बनवाएगा ठीक है तो यहां पे टेंटेकल और हेड आपको देखने को मिलेंगे ठीक है हाइपोस्टोम के टिश्यू में नो ट्रंक विल बी डेवलप इन दिस कंडीशन एज यू कैन सी ऑन ऑन स्क्रीन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक एक डायग्राम बना हुआ है एक फिगर है ठीक है तो ये ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं फॉर एग्जाम्पल गिलबर्ट आप गिलबर्ट में भी देख सकते हैं गिलबर्ट किताब जो काफी सही है फॉर द डेप बायो तो यू कैन सी हियर यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको ये आपके होस्ट के टिश्यू हैं तो होस्ट के टिश्यू से टेंटेकल्स बन गए ये रहे टेंटेकल्स दीज आर द टेंटेकल्स ठीक है स्मॉल टेंटेकल्स एंड हाइपोस्टोम यहां पे ट्रंक आपको देखने को नहीं मिला ठीक है ट्रंक नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि हाइपोस्टोम का टिश्यू था वहां पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन थी हेड एक्टिवेटर की लेकिन एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सेकेंड इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया है एक डोनर हाइड्रा लिया ठीक है एक हाइड्रा लिया जो डोनर है डोनर हाइड्रा का टिश्यू लिया है इस बार सब हाइपोस्टोमल सब हाइपोस्टोमल का मतलब है हाइपोस्टोम के जस्ट नीचे तो हाइपोस्टोम के नीचे अगर आप आओगे वहां पे हेड एक्टिवेटर की कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगी आपको क्यों मिलेगी कम क्योंकि यहां पे ग्रेडियंट बनता है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है हाइपोस्टोम पे और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ कम होने लगती है तो हाइपोस्टोम क्या होगा हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी सब हाइपोस्टोम में क्या होगा थोड़ी कम होगी और जब मैं सब हाइपोस्टोम का टिश्यू ग्राफ्ट करूंगा एक दूसरे हाइड्रा में फॉर एग्जांपल दिस इज द डोनर हाइड्रा डोनर हाइड्रा के बॉडी कॉलम में ग्राफ्ट करूंगा तो मुझे यहां पे देखने को मिलेगा बॉडी एक्सिस ट्रंक टेंटेकल और हेड ट्रंक टेंटेकल और हेड तीनों चीज देखने को मुझे मिलेंगी क्यों बिकॉज़ यहां पे जो कंसंट्रेशन मैंने ली है हेड एक्टिवेटर की वो थोड़ी सी कम है और कम होने की वजह से वो फोर्स नहीं कर पाया टू बिकम द ओनली टेंटेकल और ओनली आपका हाइपोस्टोम वो साथ साथ थोड़ा ट्रंक भी उसने बनवाने को अलाउ कर दिया तो इसका रिजल्ट आपको यह देखने को मिला और इसका रिजल्ट आप यहां से भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में अभी जो मैंने आपको पहले इमेज दिखाई थी उसमें और इसमें डिफरेंस है दोबारा दिखाता हूं मैं आपको वो इमेज यहां देखिए इस वाली इमेज में आपको दिख रहा होगा छोटा सा एरिया बस जहां पे आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े से टेंटेकल निकल रहे हैं साथ में आपका थोड़ा सा यहाँ पे हाइपोस्टोम दिख रहा है यहाँ पे ट्रंक विजिबल नहीं है प्रोमिनेंटली यू कैन नॉट सी द ट्रंक हियर बट इन दिस पर्टिकुलर इमेज इस वाली इमेज में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रंक भी बन रहा है दिस इज द ट्रंक यानी बॉडी एक्सिस बॉडी एक्सिस या बॉडी कॉलम अलग अलग नाम है इसके और ये रहे टेंटेकल्स दीज आर द टेंटेकल्स ये टेंटेकल्स हैं और ये क्या है हाइपोस्टोम है। लेकिन ये कब हुआ है जब आपने सब हाइपोस्टोमल टिश्यू लिया है सब हाइपोस्टोमल टिश्यू जिसके अंदर जो हेड एक्टिवेटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइपोस्टोम के कंपैरिजन में थोड़ी कम है जिसकी वजह से यहां पे ट्रंक भी बन गया अदरवाइज अगर मैं हाइपोस्टोम लेता तो यहां सिर्फ और सिर्फ टेंटेकल और आपको हाइपोस्टोम देखने को मिलता है ठीक है हेड देखने को मिलता है आई होप यू ऑल आर विद मी ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब आगे चलते हैं देखिए अभी तक हमने ये बात करी है अभी तक हमने ये बात की है कि हेड एक्टिवेटर है हेड एक्टिवेटर है पर हमें यह नहीं पता कि हेड एक्टिवेटर है कौन भाई हेड एक्टिवेटर कोई केमिकल तो होगा ना ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में कुछ भी हो इट शुड बी समथिंग लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको प्रोटीन फैट विटामिन सो so, यहाँ पे साइंटिस्टों ने इस बात की रिसर्च करी और उन्होंने पता लगाया कि जो आपका हाइपोस्टोम है इसके अंदर जो हेड एक्टिवेटर है वो एक केमिकल है जिसका नाम है डब्ल्यू एन टी या वेंट भी कह सकते हो आप इसे तो आपने पढ़ा होगा सेल सिग्नलिंग में या सेल बायोलॉजी में एक पाथवे होता है जिसका नाम है वेंट बीटा कैटेनिन पाथवे सो वेंट बीटा कैटेन पाथवे इज अ कैनोनिकल पाथवे इन द डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड द लाइफ साइंस तो ये बहुत जगह पाया जाता है तो इस पाथवे में क्या होता है इस पाथवे के अंदर एक केमिकल होता है एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है जीएसके थ्री जीएसके थ्री नाम का एक फैक्टर होता है ठीक है ये जो जीएसके होता है एक तरह का काइनेज होता है अ काइंड ऑफ काइनेज ये जो काइनेज है ये फॉस्फोरिलेशन करता है एक दूसरे प्रोटीन की जिसका नाम है बीटा कैटिनिन, बीटा कैटिनिन की फॉस्फोरिलेशन करता है एंड एज अ रिजल्ट बीटा कैटिनिन क्या हो जाता है डिग्रेड हो जाता है मेरी बात ध्यान से सुनना जीएस के थ्री क्या करता है काइनेज है फॉस्फोरिलेशन करता है बीटा कैटेनिन की और बीटा कैटेनिन की अगर फॉस्फोरिलेशन करोगे तो वो मर जाएगा डिग्रेड हो जाएगा और अगर वो डिग्रेड हो गया तो वो न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगा न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और अगर वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर पाया तो वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करवा पाएगा इंपॉर्टेंट जीन्स की तो यहां पे बीटा कैटनिन एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो काफी जरूरी है फॉर द रिस्पॉन्स फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन तो यहां पर जो वेंट प्रोटीन है अगर यह एब्सेंट है क्योंकि वेंट प्रोटीन एक तरह का लाइगेंड होता है अगर यह वेंट प्रोटीन एब्सेंट है नहीं है जीएस के थ्री एक्टिवेटेड होगा एक्टिवेटेड जीएस के थ्री इनिबिट कर देगा बीटा कैटेनिन को जिसकी वजह से रेस्पॉन्स नहीं आएगा यह बात सबको समझ में आ रही होगी सो so, अगर मैं बीटा अगर मैं वेंट प्रोटीन दे दूं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं अगर मैं वेंट प्रोटीन दे दूं जो कि वेंट थ्री याद रखना मॉर्फल में इट इज द डब्ल्यू थ्री क्योंकि इसके कई तरह के वेरिएंट होते हैं तो डब्ल्यू थ्री होगा आपका डब्ल्यू थ्री जो है वो इनिबिट करेगा GSK के को अगर जी एस के इनिबिट हो गया तो वो फॉस्फोरिलेशन नहीं कर पाएगा बीटा कैटेन की एज अ रिजल्ट बीटा कैटेन एक्टिवेटेड और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगी सेल में क्योंकि डिग्रेड नहीं होगा ये और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो ये एंटर करेगा न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में जाके बाइंड करेगा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जहां पे इसकी लोकेशन है डीएनए पे और ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा इंपॉर्टेंट जीन्स की जिसकी वजह से क्या आएगा यहां पे रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा तो ये वेंट प्रोटीन कौन है इट इज एक्टिवेटर आई होप इट इज क्लियर ठीक है आप बता सकते हैं मुझे अगर किसी तरह की कि दिक्कत आपको आ रही तो कूपर है, है, पढ़ सकते हैं एल्बर्ट पढ़, पढ़ सकते हैं ये अच्छी किताबें हैं बहुत तो देखिए जो डब्ल्यू एंटी प्रोटीन है जब ये प्रेजेंट होता है तो क्या करता है ये बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पर जिसका नाम है फ्रिजल्ट रिसेप्टर तो वेंट प्रोटीन बाइंड करता फ्रिजल्ट पर देन ये एसोसिएशन शो करता है एलआरपी से एक और आपका रिसेप्टर है एलआरपी तो एलआरपी आर पी आपके बाइंड करते हैं वेंट से इनकी बाइंडिंग से एक और प्रोटीन है जिसका नाम है डिसहेवल्ड डिसहेवल्ड नाम का प्रोटीन जो है वो रिक्रूट करता है जीएसके थ्री को और जीएस के थ्री को इनहिबिट कर देता है ताकि जीएसके थ्री साइटोप्लाजम में फ्रीली ना रह पाए एंड एज अ रिजल्ट बीटा कैटनिन जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज़ करने लगती है क्योंकि जीएस के त्री को आपने क्या कर दिया है इनिबिट कर दिया है एंड फाइनली ये जो बीटा कैटिनिन है फिर जाएगा आपका न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये बाइंड करेगा कुछ दूसरे प्रोटीन से लाइक like टीसीएफ और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देगा ऑफ इंपॉर्टेंट जीन्स जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा और वो रिस्पॉन्स क्या है हाइड्रा के अंदर क्या है वो फॉर्मेशन ऑफ हेड या हाइपोस्टोम या ठीक है तो वो ये सब यहाँ पे आपसे बनवाएगा ठीक है जी आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात ठीक है सो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है इतना ही है बाकी का टॉपिक हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से बाइनरी वेक्टर पे आपको लेक्चर चाहिए ओके फाइन Uh, बहुत जल्द मैं बाइनरी वेक्टर पे भी लेसन ले आऊँगा आपके लिए ठीक है और और किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे अपने अकेडमी ऐप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक है तो मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में आज इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट टेक केयर बाय गुड नाइट